हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये दीवार घड़ी जो ख़राब है, यानी कि ये सही टाइम नहीं बता रही है, इसको ठीक करना यानी रिपेयर करना सिखा रहा हूँ। इसके अंदर बड़ी आसानी से जो नई मशीन है ये इसके अंदर डाल के ये दीवार घड़ी को हम ठीक करेंगे, जो आपको मैं आप सिखाऊँगा। बड़ी आसानी से आप घर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, पहले इस शीशे को निकालते हैं। इसके लिए हमें पीछे ये चार पेच दिए हैं, इसको खोलते हैं। ये देखो ये पेच है, इसको खोल लेते हैं। इस तरह से इस पेच को खोल लेते हैं, ये पेच को खोल लेते हैं और ये हमारा शीशा निकल गया है। ये देखो ये शीशा इस तरह से बाहर निकल गया है। अब ये इसको सुई को इस तरह से निकाल लेते हैं। ये सुई निकाल ली, बाद में ये मशीन को हम निकालेंगे। इसके लिए ये पेच लगा है, उसको इसकी सहायता से या कैंची की सहायता से इसको इस तरह से खोल लेते हैं। इस तरह से ये पेच यहाँ रख लेते हैं और ये पुरानी मशीन है इसको निकाल देते हैं। ये नई मशीन है अजंता की, इसको इसके अंदर लगाएंगे। ये किस तरह लगाते हैं, ये पहले इसको इस तरह से ये चीज़ नीचे हो और इस पे ये पेच लगा देते हैं। इस पेच को मजबूत कर देते हैं जिससे ये मशीन इधर उधर हिलेंगी नहीं। इसकी सहायता से ये मशीन को ये घंटी वाली सुई है, इसको सबसे पहले इस 12 के निशान पे सीधा करके लगा देते हैं। फिर बाद में ये मिनटों वाली सुई है, जैसे थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको भी 12 के निशान के ऊपर इसको इस तरह से लगा देते हैं और इसकी दूरी को सही कर लेते हैं। सबसे लास्ट में ये छोटे वाली सुई को इसके ऊपर लगा देते हैं। ये देखो और इस तरह से अब पीछे से हम घुमा के इसको देख लेते हैं कि सुई आपस में ना लगे और ये सही। ये देख लेते हैं सेल डाल के, ये सही चलेगी क्या। देखो ये सही सुई चल रही है। इसके सेल को निकाल लेते हैं और बाद में ये शीशा लगा देते हैं। इस तरह से ये शीशा दोबारा लगा देते हैं। इस तरह से इसको इसको लगा देते हैं। इन चारों पेचों को और ये इसके ऊपर ये टापा पीछे का कवर ये लगा देते हैं। इसको ये देखो दीवार घड़ी की रिपेयर।
मेरी वीडियो अगर पसंद हो दोस्तों लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।